हल्द्वानी के बनभुलपुरा स्थित मलिक के बगीचे में 8 फरवरी को अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए दंगे में अब चौंकाने वाली बातें सामने आ सकती हैं। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने कहा कि केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग की टीम के द्वारा दंगे प्रभावित क्षेत्र में निरीक्षण किया गया है। दंगे को लेकर लोगों से बातचीत भी की गई और इस पूरी घटना में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं जिसको वह राज्य सरकार के समक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ व्यक्ति इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे, उन्हें चिन्हित करना बेहद जरूरी है क्योंकि यह घटना उत्तराखंड के लिए बेहद शर्मनाक है। भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो इसे लेकर हमें प्रयास करने होंगे। इस पूरे मामले में मुख्य अभियुक्त समेत बड़ी संख्या में उपद्रवियों की गिरफ्तारियां हुई है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। अल्पसंख्यक आयोग इस पूरे घटना में चौंकाने वाली बातें राज्य सरकार को जल्द ही पेश करेगा। देखिए, जो 8 तारीख की घटना बनभुलपुरा क्षेत्र में घटी है, थाने को भी आग लगाई गई और 100 से ऊपर वाहन जले हैं। एक गंभीर घटना है, कलंकित करने वाली है। उत्तराखंड में इसको सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार के मुखिया के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी अगले दिन आकर के घटना की जानकारी ली और पीड़ितों से भी मिले, सबसे बात की उन्होंने। मुख्य सचिव भी मिले, प्रमुख सचिव और आपके पुलिस महानिदेशक भी आए और हमारी केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग की टीम भी यहाँ आई, उन्होंने भी अपने स्तर से देखा है। महिला आयोग की टीम भी अभी अपना दौरा किया है, उन्होंने भी अपने स्तर से देखा है और अल्पसंख्यक आयोग की भी नज़र पूरे घटनाक्रम पर है और हम भी अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। उस रिपोर्ट में हमें ऐसा लगता है कि जो चौंकाने वाले कुछ बिंदु हमने ढूंढे हैं और जिन पर हमने संज्ञान लिया है उन पर हम जांच कर रहे हैं और रिपोर्ट हमारी चौंकाने वाली होगी और वो घटना को सही स्थितियों की जानकारी सरकार तक पहुंचाने के लिए हमारी जिम्मेदारी है और सरकार को हम सही स्थिति से अवगत कराएंगे जिससे कि आगे पुनः ये घटना कभी उत्तराखंड में न घटे। इसको लेकर के सरकार भी गंभीर है और हम भी गंभीर हैं और हमारी जांच रिपोर्ट तैयार हो रही है, जल्दी इसको हम सरकार को देंगे।